हाय एवरीवन, दिस इज योर बॉय अरुण शर्मा फ्रॉम ट्रैवल देसी बॉय। तो आज का जो ब्लॉग है आपको तो पता चल ही गया होगा टाइटल देख करके। जी हाँ, मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट दोबारा करने वाला हूँ आफ्टर 1.5 ईयर। जी हाँ, 1.25 साल, आई थिंक 1.5 साल के बाद मैं ब्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज टूर स्टार्ट होने वाला है दुबई के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ कोविड टेस्ट करवाने के लिए, बिकॉज मैं कोविड टेस्ट मैंने जो बुक किया था वो एयरपोर्ट पे ही मैंने बुक कर लिया था, वो कि वहाँ पे जाऊँगा सीधा करवा लूँगा। मैंने आपको भी बताया पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब में मैंने जो टेस्ट पूछा था वो था 2500 के नियर अबाउट, बट मैंने जब एयरपोर्ट पे थोड़ा कॉन्टैक्ट किया तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे सिर्फ 800 रुपये में ही कॉन्टैक्ट सारा टेस्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जब भी वहाँ पे पहुँचता हूँ, और मैं एक दिन दिल्ली में रहूँगा, और मेरे साथ अतुल भी है जिसके मैं घर पे आया हूँ वहाँ पे रहूँगा। तो से अतुल से आए, इस बार ये मेरे साथ ये अतुल है, वो मुझे ज्वाइन करेगा दुबई के लिए। तो दुबई में पहुँच के पहुँचने से पहले आपको जैसे कोविड का जो टेस्ट है उसके बारे में बता दूँ कैसे है, कैसे होता है। वो सुइयाँ जो घुसाएंगे नाक में वो भी आप देख लीजिए कैसे है। तो चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ टर्मिनल 3 पे, और वहाँ पे आपको नेक्स्ट में दिखाता हूँ क्या करना है अपने, और कहाँ से कैसे आपको टेस्ट स्टार्ट होगा। चलिए चलते हैं। हमने ऑटो से जाने के बाद अब मेट्रो पे जा रहा हूँ मैं कि टर्मिनल 3 पे। तो ये पहले मैं टोकन बाय कर लेता हूँ यहाँ से। तो मेट्रो कार्ड था जो वो बाय कर लिया है, और इसी से ही अभी आगे जो टिकट है वो दूंगा, कि बिकॉज अभी टिकट नहीं मिलता है मेट्रो में, बिकॉज आपको सीधा ही एक कार्ड बाय करना पड़ेगा। तो टिकट उन्होंने टोकन देते तो मेट्रो का जो पहले वो बंद कर दिया हुआ है, तो इसीलिए अभी तक टिकट के लिए हर बार कार्ड ही लेना पड़ेगा हमको। तो इसको मिल गया, तो चलते हैं अपनी मेट्रो की तरफ, मेट्रो से सीधा टर्मिनल 3 पे। तो वहाँ पर दिखाता हूँ आपको कोविड-19 का जो टेस्ट है कैसे होता है, और उसकी रिपोर्ट कैसे मिलती है वो भी सारा आपको दिखाऊँगा। पर देखते हैं अब हमारा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाए, अगर पॉजिटिव आ गया तो भाई जो सारा ट्रिप यहाँ के ऑफ हो जाएगा। चलिए नीचे आ गई है। तो पहुँच गए हैं फाइनल टर्मिनल 3 पे, और बोलो अतुल भाई कुछ नर्वसनेस हो रही है भाई टेस्ट के लिए। नर्वसनेस तो है, टेस्ट है, अगर देखिए अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया तो काम सब खत्म हो जाएगा, अगर नेगेटिव आया तो आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम दोनों में से किसी का भी पर इसका आ गया तो तब भी हम वापस नहीं जा पाएंगे आगे, और अगर मेरा आ गया तब भी हम इस सफ़र को इधर ही क्लोज कर देंगे। तो एक ही ब्लॉग आएगा, उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं आएगा। अगर सही सब कुछ सही रहा तो लोग आएंगे। चलिए चलते हैं आगे और करवाते हैं टेस्ट। तो भाई पहले तो काफ़ी देर हम ढूंढते रहे, हमें मिला नहीं कि टेस्ट होना कहाँ पे है। पर अब हाँ, किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि गेट के बिल्कुल सामने ही हो रहा है। तो आप भी अगर ना पता लगे तो पूछ लीजिए किसी से, ऐसे फालतू में घूमते रहोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। चलते हैं, आप इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं क्या करना है। तो भाई जो कोविड-19 का फॉर्म पहले आपको देंगे वो भरने के लिए, तो फॉर्म आप भर लीजिएगा। अतुल अपना फॉर्म दिखा भाई। तो ऐसा देखने में फॉर्म होगा, बेसिक सी डिटेल है सारी, ज़्यादा कुछ नहीं है, नेम, पासपोर्ट नंबर, और जब फ्लाइट की आपकी डिटेल है, बस वही मांग रखी है। हाँ, आपकी डिटेल है, पासपोर्ट नंबर है वगैरह वगैरह, और आप कहाँ पे रहते हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में सब पूछा हो आपको, वो आप सारा बता दीजिए। फॉर्म भर के आप जमा करवा दीजिए, उसके बाद जो सैंपल लेते हैं उसका मैं आपको वीडियो बता देता हूँ अभी देखने में, ठीक है? ओके, चलते हैं आगे फिर। चलिए भाई मैं अपना कोविड करवाने लगा हूँ, देखते हैं आप पकड़ भाई।
चलिए भाई मेरा तो हो गया, अब इसके बाद अतुल का है, वो कर देते हैं इसको। चलिए भाई अपना तो COVID-19 का टेस्ट हो गया, अब क्रॉस द फिंगर्स एंड मिलते हैं, जब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या बना तब।